हनी 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 उठना यार हनी उठ जाओ बड़े भाई उठना यार मैंने कहा था तुम लोगों से चले जाओ वापस पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें बचाने में हनी की हालत हुई है कोई के कपड़ों में। देखो मेरे हनी का क्या हाल हो गया। दादाजी हनी ठीक हो जाएगा कुशक। ये गुरु घंटाल के घंटी घड़ियालों का वार है। इसके वार से कोई नहीं बचा। सिर्फ शेर सिंह ही था जो इसका मुकाबला कर सकता था। दहाड़कर ये छोटा सा बच्चा हनी है शेर सिंह नहीं है जो ये वार बर्दाश्त कर जाए। हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे सब ठीक हो जाएगा दादाजी। कुछ ठीक नहीं होगा अब कुछ नहीं होगा। चमत्कार होते हैं दादाजी आज भी चमत्कार होगा। एक तो गया काम से अब तुम तीनों की बारी है घंटी बजाकर। तेरी वजह से मेरे भाई का ये हाल हुआ है अब तू नहीं बचेगा गुरु घंटाल। अब हम तेरी बैंड बजाएंगे वो भी घंटी बजा बजा कर। कुशक बहुत बोलते हो अभी रिटायर्ड हट करते हैं तुम सभी को। टीम रेडी। यस बॉस। ये इनफॉर्म बैट्समैन है गुरु अब तुम ही इसका विकेट डाउन करो। भाग जाओ बच्चों इस राक्षस से नहीं लड़ पाओगे। बड़ों की बात माननी चाहिए ये बुड्ढा बिल्ला सही कह रहा है घंटी बजाकर। घंटी तो हम तेरी बजाएंगे।
मुझे शक्ति दो। ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? अनि बेटा, ये कैसे हुआ? अब तेरी बारी है गुरु घंटाल। हनी को मदद की जरूरत है। अब बेटा, हनी को जिसकी मदद की जरूरत थी वो आ गया है दहाड़ कर। माफ कर दो। इसने हार मान ली है, माफ कर दो इसे। शेर सिंह, शेर सिंह, ये मुझे क्या हो गया था? ओए हनी, कमाल कर दिया तुमने सेल के कपड़ों में। आ, 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 आ। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। आज से इस चौल की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ये! अब ये क्रिकेट गैंग यह स्टेडियम नहीं बना पाएगा। हनी ने इनकी जो हालत की है, ये महीनों तक क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। कोई शक?